हैं कभी कभी कोशिश क्या है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह इस माइंड में रख ली कि जब मुसलमान किसी तंग आ जाए तो वो एक दूसरे में इज्जत कर जाए, हिंदू से लड़ाई वो छोटे सिक्के आज भी जो है वो हमारे लिए पैसे इबरत बने हुए हैं, वो आज भी पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, वो आज भी हमारी की राह में रुकावट बने हुए हैं, वो अपने जागीरे वो अपना निजाम अपना सिस्टम तब्दील नहीं कर सकते। मैं या तो ये एक किसी ने छोटा सा एक पैरा लिखी है वो फेसबुक पे डाला हुआ था कि जब ये कंप्यूटर का सिलसिला शुरू हुआ तो बिल गेट्स जो फेसबुक का बहुत बड़ा मालिक है तो उसने कहा कि मैं पाकिस्तान में जो है वो एक जो है वो बनाना चाहता हूँ प्रोग्राम कि वहाँ पे सॉफ्टवेयर का जो है सबसे बड़ा जो है वो सिस्टम जो है वो पाकिस्तान में लगाया जाए। तो उसने तो दो आदमी उसके को जानने वाले थे उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ के साथ मेरा जो है वो रास्ता किया जाए तो मैं वहाँ पे उनके साथ हमारी एक मीटिंग हो जाए और वहाँ पे हम प्रोग्राम शुरू करूँ। उन्होंने कहा कि किसी एक वजीर ने टाइम दे दिया, उन्होंने कहा जी वो कंप्यूटर क्या चीज़ है, कंप्यूटर में वो यहाँ पे क्या करेंगे उनको करेंगे यहाँ तो आप उन्होंने और आप मालिक आई टी के आदमी हैं वो भी छोड़ छोड़ के जाते हैं। तो हमें अपने अंदर कुछ ना कुछ सिस्टम को पैदा करना होगा। इस्लाम कैसे पैदा, इस्लाम वही निकला जो बात कही वही निकली, जो बात कही उस पे ये बात जो क्या है उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। ठीक है, हमारे असलाफ तो वो हैं जिन लोगों को कुर्सी मिलती के गाँव में, जिन लोगों को अदालतों और जगह जगह मिलती थी, और इसी तरह नस्ल दर नस्ल आ रहे हैं। नतीजा यही है कि पाकिस्तान को लख तो हो गया लेकिन अब पाकिस्तान जो एक टुकड़ा हमारे पास बचा है उसको बचाने के लिए भी आप जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है, हमें अपने लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। उस्ताद चाहे अपनी कौम को इस लेवल पे ले जाए कि वो कौम जो है वो तरक्की की राह पे गामजन हो जाए और हमारा दुनिया में एक नाम पैदा हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला हमें जो है वो अपने अगर वतन की मट्टी से मोहब्बत ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। प्रोग्राम को इख्तिताम पज़ीर करते हुए अब मैं जनाब सैयद बशीर शाह साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ लाएँ और दुआ फरमाएं। जनाब सैयद बशीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जब भी कोई प्रोग्राम तरकीब दिया जाता है और उस प्रोग्राम की तरकीब देने में बहुत सारे लोगों की काविश होती है, अगर उनका शुक्रिया अदा नहीं करते प्रोग्राम का खत्म नहीं होता। हमेशा से हमारे स्कूल के साथ से हैं तो सबसे पहले तनवीर साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बड़े मुख्तसर से वक्त में बच्चों को इकट्ठा किया, उनके अंदर जज्बा पैदा किया और उनको इस काबिल किया कि वो आगे सलाहियतों का इजहार करें। और मैं बहुत खुश हूँ कि बच्चों ने बरदस्ता जुमले और बर्द अशार में प्रोग्राम को चार चांद लगाए और इसके साथ साथ जिसके अंदर बात को आम जो उस्ताद की बात है बच्चे उस्ताद पर अंधाधुंध साथ करते हम लोगों की तकदीर करने में कोई देर नहीं है। कि जो बड़े बड़े नारे होते हैं बड़े बड़े जन ये कुछ नहीं है, वो दरिया की मानी होती है जिसमें रवानी नहीं है।
मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे और पाकिस्तान की सलामती के लिए जो मुस्बत कोशिश कर रही है उनकी कोशिशों को चाहिए।